सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते खाने के फायदे जानकर आप रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, अमरूद मीठा और स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे ही फायदे होते हैं। दंत रोग के लिए अमरूद रामबाण साबित होता है। अमरूद के पत्तों को चबाने से दांतों की कीड़ा और दांतों से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा भी ये कई औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अमरूद के पत्तियों को सुबह खाली पेट खाने के क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अमरूद की पत्तियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अमरूद की पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें बहुत से और तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण से अमरूद की पत्तियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया हो तो उसमें अगर वो इंसान सुबह उठकर अमरूद की 3 पत्तियां खा लेता है तो उसके घटे हुए सेल्स बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी इंसान को डेंगू हुआ है उसे आप अमरूद की पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पिला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप 5 कप पानी के अंदर 10 अमरूद की पत्तियां डालकर इसे उबालते रहे जब तक कि 5 कप में से ये 1 कप ना रह जाए। इसके बाद इस काढ़े को आप डेंगू के मरीज को पिलाना है। आप इसे डेंगू वाले मरीज को दिन में 3 बार पिला सकते हैं और उनका डेंगू बुखार बहुत ही जल्द ठीक होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमरूद की पत्तियों से आप अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में मोटापा एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि लगभग हर किसी को है और हर कोई इंसान अपने तरीके से मोटापे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तो अगर आप इतनी कोशिश करके थक चुके हैं तो आप हमारा ये तरीका जमा कर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बस आपको करना यह है कि सुबह खाली पेट अमरूद की 3 पत्तियों का सेवन आपको हर रोज करना है, क्योंकि अमरूद की पत्तियां हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है जिससे हमारा डाइजेशन मजबूत होता है और हमारा वजन बहुत जल्दी कम होने लगता है। मधुमेह यानी कि शुगर आज के समय में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत से लोगों को हो चुकी है और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से सभी को दवाई खानी पड़ती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अमरूद की पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी चीज, जैसे हमने आपको डेंगू के केस में बताया कि आपको इसका काढ़ा बनाकर पीना है, वैसे आपको अमरूद के पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ज्यादा चाय पीने की आदत है, वो लोग चाय पीने की जगह पर अगर अमरूद की पत्तियों का काढ़ा पीते हैं तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि डायबिटीज की दवाई आपको नहीं लेनी पड़ेगी और आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। अमरूद की पत्तियां कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। आज के समय में गलत खानपान के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण से आगे चलकर हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप सुबह उठकर अमरूद की पत्तियों का सेवन करना शुरू करें। आप दिन में अमरूद की पत्तियों का काढ़ा यानी कि अमरूद की पत्तियों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही रहेगा और आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अमरूद के पत्तों का सेवन करने से नींद अच्छी आती है। बार बार पेशाब जाने से नींद खराब हो जाती है। अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर इसकी चाय पीने से बार बार पेशाब नहीं आती है और आपकी नींद में कोई खलल नहीं होता है। दोस्तों, त्वचा पर फ्री रेडिकल्स के द्वारा किए जाने वाले नुकसान कई सारे होते हैं। अमरूद के पत्तों को अपनी डाइट में शामिल करने से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाकर रखते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ बालों का झड़ना आम बात लगने लगती है। अमरूद के पत्तों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स इस समस्या का हल है। सबसे पहले अमरूद के पत्तों को पानी में अच्छे से उबाल ले और फिर पानी को छान कर ले। पानी को ठंडा होने के बाद इसमें बालों की जड़ों में 20 मिनट तक मालिश करें और फिर धो ले। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपके बालों को भरपूर पोषण देगा, जिससे आपके बालों को झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।